फ्रेंड नमस्कार, मैं DPR आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आज जीवन में दुख हैं तो समझ लीजिए सुख भी आने वाले हैं। जिस प्रकार रात्रि होती है तो हम ये सोच के सोते हैं कि सुबह भी आएगी, जब रात्रि होती है तो ये सोच के सोते हैं कि सुबह भी आएगी, और जब दुख का गहरा बादल छाता है तो सोच लेना खुशहाली भी आएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो कुछ ऐसी ही है कि कभी कभी हम लोग जब हिंदी की टाइपिंग करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बड़ा पजल हो जाते हैं यार। मतलब ये का से के बनना है, ख बनना है, या हम मंगल फोंट करें या फिर कुर्ती देव करें, तो इन सब में क्या है कि बड़ी डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको जो कीबोर्ड होता है ना आपका, वो लर्न करना होता है कि किस बटन से किस जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है उससे हिंदी का जो वर्णमाला है वो कौन सा बनना है। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम भी लगता है और बहुत लंबी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके हम लोग वो टाइप करते हैं। तो यहाँ पर लेकिन एक गूगल ने बहुत ही अच्छा गूगल इनपुट टूल दे दिया है, जिससे हम लोग हिंदी में लिखेंगे राम, RAM, मतलब RAM इंग्लिश में लिखेंगे और वो हिंदी में होके आ जाएगा। जैसे कि मेरा नाम राम है तो मैं लिखूँगा MERA, मेरा नाम NAM, RAM HAI, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, टाइप कर रहा हूँ इंग्लिश में और हिंदी में वो कन्वर्ट होके आ जाएगा, साथ के साथ टाइप हो जाएगा। तो अब इसमें हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई कौन से वर्ड पर क्या है, वो तो सारे लोग जानते हैं अंग्रेजी की टाइपिंग, तो ऐसे करना तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को सपोर्ट करने वाली। तो यहाँ पर क्या होता है कि एल्ट दबा के तुम शिफ्ट दबाओगे तो मंगल फॉन्ट हो गया, और एल्ट दबा के शिफ्ट दबाओगे तो इंग्लिश हो गई हमारी जो कीबोर्ड की भाषा है। अब इसमें क्या होगा कि आप लोग एक कंप्यूटर में दोनों लैंग्वेज यूज़ नहीं कर पाओगे, मतलब गूगल इनपुट टूल डालो या मंगल फॉन्ट डालो, अगर आप चाहोगे दोनों को करें तो फिर दोनों काम नहीं करती हैं वहाँ पर, वहाँ पर आपको एक ही काम मिलानी है, ये बात आप समझ लें। यहाँ पर मेरा नेट का इशू चल रहा है, मुझे लग रहा है कि स्पीड यहाँ पर नहीं आ पा रही है डाउनलोडिंग की। एक बार मैं दोबारा करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया है ये, और इसके बाद में मैंने इसको कर देना, यहाँ से मैं कह रहा था ना कैप्चर आई एम नॉट रोबोट, और इसको कर देना है सबमिट, और सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर ये देखिए यहाँ डाउनलोडिंग चल रही है, इसको डाउनलोडिंग को पूरी होने देना है। कोई हड़बड़ तड़बड़ नहीं करना है, नई फाइल करप्ट हो जाएगी तो फिर ये आगे काम नहीं करेगी। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि आप एल दबा के शिफ्ट दबाओगे तो हिंदी हो जाएगा, और एल दबा के शिफ्ट दबाओगे तो फिर वो इंग्लिश हो जाएगा। तो यहाँ से इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिकोड। ऐसे ही मंगल फॉन्ट में होता है कि आप लोग वहाँ पे एल दबा के शिफ्ट दबा दो हिंदी, एल दबा के शिफ्ट दबा दो इंग्लिश। अभी यहाँ से देखिए ये डाउनलोडिंग हो रही है और इंस्टॉल भी होने लगी, यहाँ पर फिनिश कर दिया, और यहाँ पर इसको हमने यस कर दिया दोबारा एक बार, फिर इसको फिनिश कर दिया, दो बार करना है। ओके, अब आप ही देखिए, मैं देखो यहाँ पर आपको टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको काट देता हूँ यहाँ से। अब मैं देखिए यहाँ पर मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है, मैं लिख रहा हूँ राम इज, मतलब राम मेरा भाई है। तो देखिए अभी ये नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये चीज़ अभी नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं मान लो यहाँ पर क्या करता हूँ, एल्ट दबा के शिफ्ट दबा देता हूँ, अभी देखिए मैं लिखूँगा क्या, तब देखना आप लोग। देखो मैंने लिखा राम मेरा भाई है, समझ रहे। तो देखिए आप लोग यहाँ पर इसको ईजिली तरीके से कर पाओगे, और इस तरह से आप लोग वो जो बोर या मूड ख़राब, यार कैसे टाइपिंग करें हिंदी की, क्या होगा, वो सब चीज़ से मुक्ति हो गई, ठीक है ना। आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा आप लोग कि कोई भी कागज़ है, डॉक्यूमेंट है आपके पास, और उसको आपको क्या करना है, बिना टाइपिंग करे MS वर्ड में एडिट करना है,
मतलब कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास और उसको एमएस वर्ड में ले जाके एडिट करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई रिज्यूम बनाने के लिए आता है, उसके पास रिज्यूम है और वो कह रहा है कि भाई आप ऐसा करो इसमें कुछ पॉइंट हैं इसको एडिट कर दो, तो अभी क्या होगा कि आपको पूरा ही वो एडिट करना पड़ेगा। लेकिन एक युक्ति ऐसी है कि आप उस रिज्यूम को लो, स्कैन करो और इसके बाद में उसको डायरेक्टली हम एमएस वर्ड में ले जाके एडिट करके उसको प्रिंट करके दे सकते हैं, तो हमारा ये काम ईजिली हो गया। तो आपको आपको पता है कि कंप्यूटर पर जब हम काम कर रहे हैं तो हमें सारे काम ईजिली करेंगे तो भी हमें कोई पूछेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अगली वीडियो बनानी है या नहीं इसके बारे में मेरे को कमेंट में यस करके छोड़ें। जो जो चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो यस नीचे लिखें, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो नहीं बनाएंगे। चलिए मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।